तो फिजिक्स एग्जाम की स्ट्रैटेजी के ऊपर यूट्यूब पे ऑलरेडी कई वीडियोस हैं और हो सकता हो आप उन्हें देख भी चुके हो, तो ये वीडियो बनाने की कोई खास जरूरत नहीं थी, पर क्या करें, दिल नहीं मानता ना। फिजिक्स के टीचर हैं, 2 साल इसी बैच को फिजिक्स पढ़ाया है और अगला एग्जाम बोर्ड का फिजिक्स का है, तो हम भी आ गए स्ट्रैटेजी वाला एक वीडियो लेके। ये पूरा वीडियो मैंने अपने दिल से प्रिपेयर किया है, इसमें सारी एनालिसिस मेरी खुद की है, तो प्लीज़ इसको किसी और के वीडियो से कंपेयर मत करना, किसी और के एनालिसिस से कंपेयर मत करना और किसी और को प्लीज़ क्रिटिसाइज मत करना। तो चलो शुरू करते हैं, एकदम टू द पॉइंट आते हैं। एक बात बोलना चाहेंगे कि इस फिजिक्स एग्जाम के नंबर ये नहीं डिसाइड करेंगे तुम्हें कितनी फिजिक्स आती है, याद रखना मेरी बात, दिल से बोल रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस की। तो एनसीईआरटी का पहला पन्ना सबने देख ही रखा होगा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये पार्ट मिला के 16 नंबर का आने वाला है पेपर में। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस और करंट इलेक्ट्रिसिटी, 16 नंबर्स का। उसके बाद ये मैग्नेटिज्म वाला पूरा पार्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट, ये सब मिला के आएगा 17 नंबर्स का। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, इस छोटे में से 18 नंबर्स का आने वाला है, ध्यान देना। इसके बाद ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, एटम्स, न्यूक्लियाई, इसमें से 12 नंबर का। और लास्ट में सेमीकंडक्टर में से अकेले 7 नंबर का। अब एक बहुत बड़ी गलती हम में से हर कोई करता है, हर साल करता है, कि सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स छोड़ के चले जाते हैं, लास्ट में आता है ना। सब लोग क्या करते हैं कि साल शुरू होता है, नया नया जोश होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अच्छे से पढ़ा, करंट इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से, तो उसके बाद धीमे धीमे इंटरेस्ट कम होने लगता है और एग्जाम टाइम पे सब सोचते हैं ये लास्ट वाला इसको छोड़ देते हैं, यार समझ में भी नहीं आ रहा, अजीब अजीब बातें हो रही हैं इसमें, है ना, क्वांटम फिजिक्स की। मत जाना छोड़ के, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत स्कोरिंग है और इसके लिए तुमको बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं समझने हैं, इसमें से क्या ही आएगा यार, एनर्जी बैंड, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, डिफरेंस बताओ कंडक्टर इंसुलेटर सेमीकंडक्टर का। उसके बाद बोलेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, पीएन जंक्शन कैसे बनता है, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस का आईवी कैरेक्टरिस्टिक का ग्राफ, बहुत आसान है, किताब से नहीं पढ़ना है, गूगल पे टाइप कर देना, इसके पीडीएफ नोट्स, किसी के हैंड रिटन नोट्स, किसी दोस्त से मंगा लो, उसमें से पढ़ लो और सिलेबस से देख देख के पढ़ना, बाहर मत जाना, ट्रांजिस्टर तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, है ना। फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस का अपने आईवी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लिया, एक दो न्यूमेरिकल कर लो कि फॉरवर्ड बायस में करंट जाता है, रिवर्स बायस में करंट नहीं जाता, जेनर डायोड, जेनर डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर, फोटो डायोड, एलईडी, सोलर सेल, खत्म। 7 नंबर पक्के गिफ्टेड है, छोड़ के मत जाना। अगर नहीं भी पढ़ा है अभी तक तो 3 से 4 घंटे लगेंगे और गारंटीड नंबर मिलेंगे। साल भर घिसे हो ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, हो सकता है उसके क्वेश्चन ना बने लास्ट में, इसका बन जाएगा, एकदम गिफ्टेड क्वेश्चन आता है, बहुत आसान, न्यूमेरिकल आएगा तो बहुत आसान, अदरवाइज तो थ्योरी थ्योरी इसके अंदर है, तो किसी से भी नोट्स लेके रट के जाना, छाप आना, 3-4 घंटा लगेगा, बहुत स्कोरिंग है। इसी तरह का एक चैप्टर और होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये दोनों चैप्टर मेरे अभी बचे भी हुए भी हैं क्योंकि बहुत ही ईजी है, ये पूरा थ्योरी है, 100% थ्योरी, तो इसको भी छोड़ के मत जाना, इसमें तुमको मुश्किल से 1 से 1.5 घंटा लगेगा, इसमें कई चीज़ें ऐसी होगी जो तुम पहले ही पढ़ चुके होगे अगर तुमने पढ़ी है फिजिक्स, तो बहुत आसान है और इसको भी करके जरूर जाना। इसके बाद मैंने क्या किया है कि कुछ मार्किंग की है, अब ये उन बच्चों के लिए जिनकी कम प्रिपरेशन है, जो चैप्टर इजी है उनके लिए मैंने इजी लिखा है, जो मॉडरेट लेवल पे बीच के मीडियम उनके लिए एम, और जो डिफिकल्ट है उस पर डी। अब कोई कहेगा ये डिफिकल्ट नहीं है, तो पूरी क्राउड को ध्यान में रख के हम फिजिक्स पढ़ाते हैं, हमने सोच के बताया। तो जैसे सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स एक ईजी और निहायती ईजी है, फिर से बोल रहा हूँ, अभी 2 दिन का समय है, पढ़ के जाओ, स्कोरिंग है। कई लोग थैंक यू बोलोगे एग्जाम के बाद आगे कि आपने कहा अच्छा हुआ हमने पढ़ लिया था, स्कोरिंग है, हो सकता है इसके क्वेश्चंस ना बने, इसके पक्का बनेंगे। इसके बाद न्यूक्लियाई, एटम, गिफ्टेड, इजी, ये जो 12 नंबर है गिफ्टेड हैं, ये सब नंबर बहुत इजी हैं। आप लोग क्या करते हो, यहां से स्टार्ट करते हो, यहां पे आके एनर्जी खत्म, मेरी बात मान लो, फिजिक्स के टीचर हैं, ये करके जरूर जाना, वेरी इजी, वेरी इजी, वेरी इजी। इसके बाद वेव ऑप्टिक्स एक मॉडरेट लेवल पे, इसमें भी थ्योरेटिकल पोर्शन ज्यादा है, बहुत ज़्यादा, 90% थियोरिटिकल है इसमें, इसमें हाइजेंस प्रिंसिपल का प्रूफ वगैरह पढ़ के जाना है, पोलराइजेशन एंगल का फॉर्मूला, वही सब सवाल आ रहे हैं घुमा फिरा के, YDSE का एक न्यूमेरिकल आ सकता है, YDSE की थ्योरी पढ़ लो, डिफ्रैक्शन की बस डेफिनेशन पढ़ लो, थोड़ा सा डिफ्रैक्शन और YDSE का डिफरेंस। इसके बाद ये थोड़ा सा लेंदी है, इसलिए डी लिखा है, डिफिकल्ट, नॉट इवन मीडियम, क्योंकि बहुत लेंदी है रे ऑप्टिक्स, इसमें आप मिरर पढ़ोगे, फिर लेंसेस पढ़ोगे, फिर प्रिज्म पढ़ोगे, सबके न्यूमेरिकल, सबके फॉर्मूले, कंफ्यूजिंग भी है। उसके बाद आता है आपका माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, हाँ पर स्कोरिंग है अगर इनके कंपैरिजन में देखो, तो मैंने बताया डिफिकल्ट, अभी मैं लेवल बता रहा हूं कि जिन बच्चे कुछ तैयारी नहीं हो, पहले इजी इजी इसको कवर कर लें, फिर इजी इजी चैप्टर को, फिर मीडियम चैप्टर को, फिर डिफिकल्ट को।
अच्छा, इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हलवा गिफ्टेड, इसके बाद अल्टरनेटिंग करंट मीडियम है बट स्कोरिंग है, ये बता दूं मैं साथ में, स्कोरिंग है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, अगर नहीं पढ़ा है तो आप समझना पड़ेगा, टाइम लगेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मीडियम है, कॉन्सेप्चुअल है, ये कॉन्सेप्चुअल है, ये बहुत कॉन्सेप्चुअल है इवन। इसके बाद मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ये गिफ्टेड टॉपिक फिर से, इसका न्यूमेरिकल अगर आएगा तो हलवा न्यूमेरिकल आएगा, अदरवाइज थ्योरी आती है इसके अंदर से, वही अर्थ मैग्नेटिज्म पैरा डाया फेरो हलवा चैप्टर इजी, इसको जो इजी लिखा सबसे पहले उसको कवर कर लो। इसके बाद मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म डिफिकल्ट क्योंकि कॉन्सेप्चुअल है, उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी डिफिकल्ट क्योंकि कॉन्सेप्चुअल है, लेंदी है और ये डिफिकल्ट। मेरे ख्याल से ये दो तो सभी के तैयार हो जाते हैं क्योंकि साल के शुरुआत में सब पढ़ते हैं पूरी एनर्जी में, और करंट इलेक्ट्रिसिटी ऐसा होता है कि टेंथ वेंथ में भी पढ़ रखा होता है थोड़ा बहुत, तो ये भी आपका रेडी होता है। ठीक है, तो ये तो बात हुई कि भाई क्या पहले, सबसे पहले इजी वाले कवर कर लो, फिर मीडियम वाले, फिर डिफिकल्ट वाले, अपने हिसाब से। ये पार्ट करके जरूर जाना क्योंकि ये भी हमको लगता है नंबर ज़्यादा आ रहे हैं और ये पार्ट छोटा है एज कम्पेयर टू दिस पार्ट। ये तो हुआ कि किस सीक्वेंस में करना है, वैसे सब कुछ करके जाना, मैं दिल से बस यही बताने आया था कि ये जरूर करके जाना। खैर, अब आते हैं पेपर के पैटर्न पे, जो कि सब लोग कह रहे हैं चेंज हो गया इस साल, जो कि सही है। सीबीएसई ने अपने सैंपल पेपर में बताया हुआ है कि चार पार्ट होंगे पेपर में, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए के अंदर होने वाले हैं 20 सवाल एक एक मार्क्स के, सेक्शन बी में होंगे 7 सवाल 2 मार्क्स के ईच, सेक्शन सी में फिर से 7 सवाल 3 मार्क्स ईच, और सेक्शन डी में 3 सवाल होंगे 5 मार्क्स के। सुनते जाओ, बताते जाते हैं। सेक्शन ए में आसान सवाल आएंगे, इजी सवाल आएंगे, छोटे सवाल आएंगे, जैसे 20 क्वेश्चन आने हैं तो 20 क्वेश्चन होंगे कैसे, 10 तो तुम्हारे एमसीक्यू होंगे, मल्टीपल चॉइस, चार में से एक मारना है। अब इसमें क्या होगा, इसमें फॉर्मूला बेस्ड छोटा मोटा न्यूमेरिकल हो गया, या इस चीज से कोई चीज इंक्रीज करेगी कि डिक्रीज करेगी, इस तरह का एकदम आसान आसान, ठीक है। जब कोई फॉर्मूला उठा लिया, उसमें पूछा इसको बढ़ाने से घटेगा बढ़ेगा, है ना, एक सिंपल सा तुमको सर्किट दे दिया, उसमें करंट पूछ लिया, ठीक है, तुमको मान लो कोई न्यूक्लियाई का सैंपल दे दिया, उसकी हाफ लाइफ पूछ ली, सब बड़ा आसान है। फॉर्मूले पकड़ लो, बहुत फायदा होगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, फॉर्मूले पकड़ लो सबसे पहले। 10 एमसीक्यू होंगे, 5 फिल इन द ब्लैंक्स होंगे एज एक्सपेक्टेड बाय दैट सैंपल पेपर, ठीक है, और 5 आपके शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चंस भी क्या, डेफिनेशन पूछ लिया तुमसे, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, व्हाट इज हाफ लाइफ, इस तरह से छोटे छोटे एकदम क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैरा डाया एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, दो नंबर एक नंबर का, तो एक नंबर में बहुत ज्यादा मत लिखना, टू द पॉइंट, ये भी हो सकता है, इंक्रीज डिक्रीज भी हो, फिल इन द ब्लैंक्स भी है, डैश रहेगा, ठीक है। अभी बताएंगे कि कैसे क्वेश्चन फॉर्म होगा। खैर, इसके बाद 7 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के होंगे। अब यहां पे क्या हो सकता है, यहां पे आपको इसी तरह के हो सकते हो, फॉर्मूला बेस्ड मतलब न्यूमेरिकल्स हों, आसान आसान, ठीक है, बहुत ही आसान फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं, या हो सकता है आपसे कोई ग्राफ बनवा ले। अब ग्राफ कैसे बनवाएगा, जैसे कोई भी एग्जांपल ले लो कहीं से भी, जैसे मान लो ये है, हाँ, जैसे मान लो आपके पास डी ब्रोई वेवलेंथ है, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन अंडर रूट, या आपको ये पता होगा लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाई पी। अब वो ग्राफ पूछ ले कि डी ब्रोई वेवलेंथ का आप एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल के साथ ग्राफ बनाओ इलेक्ट्रॉन का, तो आपको पता होगा इसकी जगह एक फॉर्मूला ये भी बन जाता है, अंडर रूट 2mev, तो आपसे बोल दिया लैम्डा वर्सेस 1/√v का ग्राफ बनाओ। तो एकदम फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, फॉर्मूले पकड़ के रखना भी बताएंगे, ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल हो सकते हैं, छोटी मोटी यहाँ पे आपसे डेरिवेशन भी पूछ सकता है इसके अंदर, कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेरिवेशन पूछ ली, ठीक है, या रिलेशन पूछ लिया, इस तरह की चीजें यहां आपको मिलने वाली है, छोटी मोटी डेरिवेशन, बहुत अच्छी खासी नहीं। सेक्शन सी में क्या है कि 7 क्वेश्चन होंगे 3-3 मार्क्स की, यहां आपको बढ़िया न्यूमेरिकल्स मिल सकते हैं, एकदम फुल फ्लेज न्यूमेरिकल आपको यहां पे मिल सकता है, लाइक आपको यहां पे किरचॉफ लॉ वगैरह का न्यूमेरिकल भी मिल सकता है, आपको यहां पे इलेक्ट्रिक सर्किट मिल सकते हैं, यहां पे आपको कैपेसिटर का न्यूमेरिकल मिल सकता है, ठीक है, यहां पे हो सकता है आपको अल्टरनेटिंग करंट का एक न्यूमेरिकल दे दे, है ना, LCR सर्किट आपको यहां पे लगा के दे दे, इस तरह की चीजें यहां पे मिलेगी। यहां पे आपको डेरिवेशंस मिलेंगे, फुल फ्लेज डेरिवेशंस, ठीक है, हो सकता हो प्रिज्म का सवाल दे दे, हो सकता हो लेंस वेंस का सवाल दे दे कि ये लेंस रखा है, इसकी ये फोकल लेंथ है, मैग्निफिकेशन इतना प्रोड्यूस कर रहा है, अच्छे सवाल। अच्छा, यहाँ पे चॉइसेस हैं, कैसे चॉइसेस हैं, इसके अंदर 2 क्वेश्चन में चॉइस रहेगा, इसके अंदर भी 2 क्वेश्चन में चॉइस रहेगा, और इसके अंदर सिर्फ 1 क्वेश्चन में चॉइस दे रहे हैं, ठीक है, इसमें 2 क्वेश्चन में चॉइस, इसमें 2 क्वेश्चन में चॉइस, मतलब कोई 2 क्वेश्चन होंगे जिसमें चॉइस रहेगी कि इसकी जगह ये कर लो, इसकी जगह ये कर लो, और इसमें सिर्फ 1 ही क्वेश्चन में चॉइस मिलेगा। अब सेक्शन डी पे आते हैं,
तीन क्वेश्चन है 5 मार्क्स के, 15 नंबर का टोटल सेक्शन है ये। इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको हर क्वेश्चन में, जैसे मान लो क्वेश्चन आपको है तो हर क्वेश्चन में पार्ट ए पार्ट बी या हो सकता हो पार्ट सी भी हो सकता है, हो सकता हो ए बी ही हो, 5-5 नंबर के 3 सवाल होंगे और सब में चॉइस होगा, ऑल क्वेश्चंस विल हैव चॉइस। हाँ बट ये बात है कि चॉइस इंटरनल होगी, कैसी चॉइस होगी, यहां पे चॉइस आपकी इंटरनल चॉइस होगी, है ना। जैसे आपसे एक बढ़िया सवाल पूछ लिया मान लो यहां से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से कि डाइपोल रखा है उसे किसी भी पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करो, एक सवाल ये हो गया, और यूजिंग गॉस लॉ फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ लीनियर चार्ज, इस तरह से होगा, इंटरनल चॉइस होगी, पर बढ़िया सवाल आएंगे यहाँ पे। हो सकता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट ए में क्वेश्चन हो, पार्ट बी में एक डेरिवेशन हो, और करके दूसरे में यहाँ पे फिर और लिख दे, फिर यहाँ पे पार्ट ए पे कोई और डेरिवेशन और कोई और न्यूमेरिकल, पर दोनों चीजें इस सेम टॉपिक के अंदर से, इंटरनल चॉइस। अब यहाँ पे कई लोग बता दे रहे हैं कि किस चैप्टर से आएगा, ये श्योरिटी नहीं है यार, वो तो सैंपल पेपर है, बोर्ड कुछ भी कर सकता है, हो सकता है यहाँ पे सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन डाल दे, 5 नंबर यहाँ एडजस्ट कर सकता है, तो हम ये नहीं कह सकते कि यहीं से सवाल आएगा या यहीं से आएगा, ये तो मतलब है कि यहां से तो आएगा ही आएगा, बट उसके बाद फिर जरूरी नहीं है कि यहाँ एटॉमिक फिजिक्स से सवाल आ जाए या किसी से आ जाए, ऐसा कुछ होगा। यहाँ पे बढ़िया लेवल का न्यूमेरिकल मिलेगा, जैसे आपको रे ऑप्टिक्स का सवाल कोई घुस गया तो यहाँ बोलेगा कि पूरा आप टेलीस्कोप का डायग्राम बनाओ, है ना, या माइक्रोस्कोप का आप डायग्राम बनाओ, और पहले पार्ट में बोला माइक्रोस्कोप का डायग्राम, दूसरे पार्ट में बोल दिया कि भाई ये ऑब्जेक्ट है तो इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करो कि कहाँ पे दिखेगा, है ना, लेंसेज का आपका लेंस फॉर्मूला भी यूज हो गया, इस तरह का मिलेगा। तो ये बात हुई पेपर पैटर्न की। अब इसमें सुन लो, ये वाला पार्ट बहुत ईजी है, ये पार्ट बहुत ही हलवा आएगा MCQ, MCQ 4 ऑप्शन है, एक तो मार ही लोगे तुम, है ना, उसमें पूछ लेगा कि इसमें से फॉलोइंग में से कौन सा कलर स्पेक्ट्रम में दिखता है, नहीं दिखता है, कौन ऊपर दिखता है, नीचे दिखता है, हल्के फुल्के सवाल होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स में डैश रहेगा, है ना, 5 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। अब मैं आता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट बात पे, जिसके बारे में शायद मुझे लगता है थोड़ा सा परसेप्शन गलत बना हुआ है, कि पेपर में थ्योरी कितनी है, पेपर में डेरिवेशन कितना है, न्यूमेरिकल्स कितना है, थोड़ा परसेप्शन शायद आपका गलत हो, मेरी एनालिसिस हो सकता हो गलत हो। भाई न्यूमेरिकल 10-12 नंबर का नहीं है, न्यूमेरिकल कम से कम 20-22 नंबर का आपको मिलेगा, एटलीस्ट 20 मार्क्स का तो मिलेगा ही मिलेगा एटलीस्ट। हाँ, थ्योरी और डेरिवेशन मिला के आपकी हो सकता हो 45-50 के बीच में हो, और ये न्यूमेरिकल्स मुझे लगते हैं 20-25 नंबर के बीच के। अब मैं समझाता हूँ कि न्यूमेरिकल्स होते क्या है, हो सकता हो न्यूमेरिकल को लेकर आपने धारणा ही गलत बनाई हो। फॉर्मूले से सॉल्व होने वाली, जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज हों, जिसमें मैथ्स के डिजिट हों, वो न्यूमेरिकल होता है, ठीक। जैसे फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं, अच्छे न्यूमेरिकल कम आते हैं, जैसे तुम लोग अब क्या कर रहे हो, रिवाइज करते हो, बड़े बड़े न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो कि ये 2 बॉल्स हैं, इनके बीच में फोर्स इतनी है, 2 चार्जेस हैं, फिर इसको हमने डायलैक्ट्रिक में डाला तो फोर्स, इतने बढ़िया लेवल के जो सवाल है ना, ये मैक्स टू मैक्स आएंगे 8 मार्क्स के, मैक्स टू मैक्स 8 मार्क्स के आपको मिलेंगे, मतलब डिफिकल्ट कह दे या अच्छे न्यूमेरिकल कह दे, है ना, न्यूमेरिकल्स मतलब बढ़िया वाले न्यूमेरिकल्स, हो सकता है इसी को आप न्यूमेरिकल समझते हो। जैसे आपसे किरचॉफ लॉ का सवाल पूछ लिया पूरा, या सीरीज पैरेलल कैपेसिटर लगा के बढ़िया सवाल पूछ लिया, कैपेसिटर की चार्जिंग डिस्चार्जिंग बैटरी से यूज पे बढ़िया न्यूमेरिकल बता दिया, या हो सकता है एटॉमिक स्ट्रक्चर से कोई बढ़िया सवाल बना दिया कि लाइमन सीरीज की पहली आखिरी लाइन बताओ, इस तरह का कुछ भी हो सकता है, अल्टरनेटिंग करंट का बढ़िया सा क्वेश्चन दे दिया, या फोर्स ऑन अ करंट के कंडक्टर के, यहाँ पे एक स्क्वायर रख दिया, एक वायर रख दिया, पूछा पूरे पे फोर्स बताओ, वगैरह वगैरह इस तरह की, या मैग्नेटिक फील्ड निकालने को बायट सेवर्ट्स लॉ से 2 तार दे दिए उस जगह पे बताना, ये 8 नंबर का ही आएगा, 8 या मैक्सिमम 10। इसके बाद जो न्यूमेरिकल्स हैं वो बहुत हलवे हैं। एक बात समझो, ये पूरे पेपर में ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए है फॉर्मूले। जिसने कुछ नहीं पढ़ा है ना, वो सबसे पहले फॉर्मूले पकड़े, सारे फॉर्मूले। मैक्सिमम क्वेश्चंस जो दिख रहे हैं यहाँ पे वो फॉर्मूले बेस्ड हैं। ये कितना नंबर हो गया 20, ये कितना नंबर हो गया 14, 34 नंबर्स आपके फॉर्मूले बेस्ड हैं। भाई ये हो गया 20, ये हो गया 14, ये हो गया 21 और ये हो गया 15। 20 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, ठीक है। CBSE इस बार बोल रहा है 37 क्वेश्चन होंगे, 7, 7, 14, 3, 17, 20, कितना बोल रहा है 37 क्वेश्चन। बाकी सबको पता ही है पेपर 70 नंबर का होता है, इतनी बेसिक बातें तो कई यूट्यूबर्स ने आपको बता दी होगी, तो वो तो बताने की जरूरत नहीं है।
तो मैं कह रहा हूं कि फॉर्मूले, अब जैसे फॉर्मूले पकड़ने से क्या होगा, जैसे अभी मैंने एक फॉर्मूला लिखा था उसी को उठा लेते हैं सैंपल के लिए, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन अंडर रूट टू एम ई वी। अब सवाल पूछ लिया कि हमने एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को डबल कर दिया तो वेवलेंथ पे क्या असर पड़ेगा, है ना, इसको टू टाइम्स कहते हैं, इस पे क्या, तो इसी फॉर्मूले सॉल्व हुआ। इसने कहा लैम्डा वर्सेस वन बाई रूट वी का ग्राफ बनाओ, बना दिया। उन्होंने आपसे बोल दिया इतने एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल पे क्या लैम्डा होगा, तो उसका तो खैर अलग आपके पास फॉर्मूला है, अंडर रूट 150 बाई वी रख देते हैं, पढ़े हो। तो पहले फॉर्मूले पकड़ लो, बहुत से क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड है, एक एक नंबर के जो क्वेश्चन है, दो दो नंबर के क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा फॉर्मूला बेस्ड है कि आपको भाई उन्होंने पोलराइजिंग एंगल दे दिया, ब्रिस्टर्स एंगल पूछ लिया, अरे पोलराइजिंग एंगल दे दिया, आपसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ लिया, इस तरह के सवाल एकदम गिफ्टेड आएंगे। जैसे आपको किसी बाई कॉन्वेक्स लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया, फोकल लेंथ पूछ ली, समझ लो एकदम बस रख के आ जाना है, या ग्राफ बनाना है, तो कहीं ना कहीं है तो फॉर्मूले का इस्तेमाल। तो मेरे हिसाब से जो न्यूमेरिकल पोर्शन है 20-25 है, और स्कोरिंग है, लेट मी क्लियर यू, जितने लोग न्यूमेरिकल से डरते हैं स्कोरिंग है, क्योंकि आसान न्यूमेरिकल आ रहे, हार्ड न्यूमेरिकल नहीं आ रहे। किरचॉफ लॉ का आएगा, किरचॉफ लॉ का मैंने वीडियो बना रखा है, उस वीडियो को देख लो, पक्का न्यूमेरिकल नहीं छूटेगा, है ना। एसी के ऊपर मैंने एलसीआर सर्किट पे वीडियो कर रखा है, उसको देख लो, पक्का एलसीआर क्वेश्चन तुमसे नहीं छूटेगा। जहां भी बड़ा न्यूमेरिकल आएगा वो मैं मान सकता हूं थोड़ा अच्छा 8-10 नंबर का, बट उसका भी मैं सोल्यूशन बता रहा था कि अगर वीडियोस देख लो तो हो जाएगा, अभी मुझे पता है टाइम नहीं वीडियोस का। सो ऑल आई एम सेइंग दिस कि न्यूमेरिकल है 20-25 नंबर का, 10-12 नंबर का नहीं है, पर आसान है, थ्योरी तो बहुत ही कम आती है, डेरिवेशंस आती हैं, ये मान के चलो 45-50 नंबर। अरे थ्योरी किसको कह रहे हो आप, डेफिनेशन तो एक ही दो मिलेंगी आपको, 10-12 मिलेंगी, इतनी नहीं मिलेगी, है ना। बेसिकली थ्योरी में आप जिसको थ्योरी समझ रहे हो वो भी क्या है, फॉर्मूले का ही पार्ट है, समझ रहे हो। तो सबसे पहले अपने सारे फॉर्मूले स्ट्रांग करो, और बहुत डेप्थ वाले न्यूमेरिकल इस टाइम सॉल्व मत करो, अगर साल भर किया होगा तो एग्जाम में बन जाएंगे। बहुत डेप्थ वाले न्यूमेरिकल लगा के पेपर में मत जाओ, फॉर्मूले सारे अपने पास इकट्ठा कर लो, फॉर्मूला लिस्ट तुमने शायद बनाई हो, वरना इंटरनेट से डाउनलोड कर लेना, कई जगह अवेलेबल है, हमारी वेबसाइट पे भी होगी फिजिक्स फॉर्मूला लिस्ट, वहां से भी आप पढ़ सकते हो। सबसे पहले सारे फॉर्मूले कलेक्ट करो, उसके बाद तुम मैथ्स तुमको बेसिकली आती ही होगी, पूछेगा इसको डबल किया, इसको हाफ किया, तो इसको क्या होगा, ये सब आप कर लोगे। ऐसे आपसे पूछ लिया कि आई इज इक्वल्स टू वी डी ई एन ए, है ना, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन। अब आपसे बोला कि अगर करंट डिक्रीज करें ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बनाया तो इसका क्या होगा, ये सब आप कर लोगे। यही सबसे फिल इन द ब्लैंक्स 10 एमसीक्यू, यहाँ फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल, ये दो तीन वैल्यू दे दी, ये पूछ लिया, इस तरह का। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है 5 प्रीवियस ईयर पेपर्स, वो तो आपको पता ही होगा, बोर्ड के प्रीवियस ईयर पेपर लगाने। अब इसमें एक अफवाह उड़ी हुई है कि इस साल पैटर्न चेंज हो गया, पैटर्न चेंज हुआ है, सिलेबस सुनना चेंज हुआ है, थोड़ा बहुत सिलेबस हुआ है, कम्युनिकेशन सिस्टम हटा, यहाँ पे ट्रांजिस्टर हटा, पूरा सिलेबस थोड़ी ना चेंज हुआ है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी भी इंपॉर्टेंस रखते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तुमको ये भी आइडिया लग जाएगा ये जो 8-10 नंबर के बड़े न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं ये हर बार कहां से आ रहे हैं, किस तरीके के आ रहे हैं, कुछ पर्टिकुलर टॉपिक से ही बड़े न्यूमेरिकल बन सकते हैं भाई, ये भी तो समझो। यहां से आप सेमीकंडक्टर से कोई बड़ा न्यूमेरिकल बना ही नहीं सकते हो, या फिर वो सिलेबस के बाहर चला जाएगा। तो कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स है जहां से अच्छे, अब वेव ऑप्टिक्स से क्या ही बड़ा न्यूमेरिकल बना दोगे, हाइजेंस प्रिंसिपल की डेरिवेशन है, YDSE का बन सकता है एक, और क्या बन सकता है, पोलराइजेशन से बन नहीं सकता, चांसेस कम हो गए, यहां से बनता है बड़ा न्यूमेरिकल, गारंटीड है, या तो मिरर से बन जाएगा, या तो लेंस से बन जाएगा, या तो प्रिंस से बन जाएगा, समझ लो यहां से बन सकता है बड़ा न्यूमेरिकल, EMI से बन सकता है, इससे बन सकता है, इससे बन सकता है, इससे बन सकता है। तो वो तुमको पेपर देख के प्रीवियस ईयर का आइडिया हो जाएगा कहां से अच्छे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं जिनको पकड़ना है। तो वो थ्योरीज का भी आइडिया जो है किस तरह की थ्योरी आ रही है। मैं तुमसे बोल रहा हूं ना कि तुम्हारा कम से कम 20-25 नंबर तो सिर्फ फॉर्मूले के ऊपर रखा हुआ है, फॉर्मूला रटा हुआ है तो काम बन गया। उसके बाद डेरिवेशंस भी हर बार कुछ रिपीटेड होती हैं, कुछ फेमस डेरिवेशन आपको पता ही है, डायपोल वाइपोल वाली कर लो, ऐसे तो मैं बोल नहीं सकता हूं, टोटल सिलेबस में बहुत डेरिवेशन है बट बहुत रिपीटेशन है। तो ये मत सोचो कि पेपर का पैटर्न चेंज हो गया तो प्रीवियस ईयर का इंपॉर्टेंस खत्म हो गया, बिल्कुल नहीं। जब भी कोई चैप्टर पढ़ो उसके साथ प्रीवियस ईयर और सिलेबस लेके बैठो, जो तुम्हारी कोचिंग के टीचर ने पढ़ाया, जो मैंने पढ़ाया, जो स्कूल ने पढ़ाया, अभी किसी पे भरोसा नहीं, अभी सिलेबस भरोसा, सिलेबस प्लीज डाउनलोड कर लो, नहीं किया तो अंडरलाइन करते जाओ, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ साथ साथ में। इतनी बातें थी मेरे पास कहने को, टीचर का काम ही क्या होता है, जो उसको अच्छा लगे दिल से वो बता दे, बाकी सब चीजें तुम्हारे हाथ में है, जाओ फोड़ के आओ। दिल का खेल, दिमाग से, दिमाग का खेल दिल से। मेरी सारी दुआएं, सारी विशेष तुम्हारे साथ हैं। ये पेपर अच्छा हो या बुरा हो, मेरा प्यार तुमसे वही रहेगा जो पहले था, हम लोग को फिजिक्स से प्यार था। पढ़ाई करते रहो, फोड़ के आना, ऑल द वेरी बेस्ट।